अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने अनाउंस किया था कि हम घर ढूंढ रहे हैं और हम घर एक्सप्लोर करें, तब हमारी जो बेगम है वो हमारे साथ नहीं थी, वो यूके में थी। उनको हम तस्वीरें वगैरह भेजी जा रहे थे, उनको दिखा रहे थे कि अच्छा यार जो यहाँ पे घर वगैरह हैं वो ऐसे दिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक एक्चुअल फीलिंग होना वो और ही बात हो, तो ना इनको हम दिखा सके थे ना ही एक्सपीरियंस कर पाए। तो आज हमें ज़रा लेटर शेटर, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कम्प्लीट हो गए, तो हम सोसाइटी आ गए सारी चीज़ें कराने। जिस जगह पे घर बना रहे हैं वहाँ पे लेके आए हैं घर दिखाने के लिए कि यहाँ पे घर बनेगा। सो बेसिकली हमने आइडिया कैंसिल कर दिया कि हम घर खरीदेंगे नहीं, हम घर कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। मतलब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें ये निकला कि बेसिकली आप अगर घर खरीदते हैं तो वो आपको महंगा भी पड़ता है और आपको मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, मतलब अपनी पसंद से बंदा चाहता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें लगाऊं, बेस्ट चीज़ें लगाऊं, तो वो सारी चीज़ें लगाऊं, तो वो तो आप चूज़ नहीं कर सकते अगर आप घर खरीद रहे हैं। मतलब वो दिखने में तो अच्छा लगता है लेकिन आपको नहीं पता कि 5-10 साल में उसका क्या हाल होने वाला है। मतलब जिस घर में हम रहते हैं अभी, हम रेंट पे वहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे भी सीपेज का मसला, इस तरह के मसले, मतलब जाहिर सी बात है अगर आप चीज़ें सस्ती लगाएंगे कुछ करेंगे तो वहाँ पे ऐसे मसले आते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने डिसाइड किया कि भाई घर जो है वो कंस्ट्रक्ट कराना ही बेस्ट है। मतलब आप लोगों के कमेंट्स भी हमने पढ़े, तो हमने डिसीजन ये तो ले लिया। अब दूसरी बात आती है कि घर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं लेकिन प्लॉट क्या बना करें। तो भाई साहब, प्लॉट तो हमने किसी सदी में पहले का ले लिया था, मैं सदी बोल रहा हूँ, कुछ साल पहले हमने ले लिया था। जो प्लॉट का साइज है वो है 10 मरला। और सोसाइटी कौन सी है, सोसाइटी का तो गेस करना पड़ेगा भाई, इतनी आसानी से आपको बताऊंगा नहीं। तो आपको जरा दिखाते हैं, अगर आपने गेस कर ली तो वेल एंड गुड, तो हम समझ जाएंगे भाई आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने जो सोसाइटी है वो देखते साथ ही गेस कर ली कि कौन सी। तो कुछ लोगों को जरा देख के आइडिया हो जाता है कि कौन सी सोसाइटी है। तो अगर आपने देख लिया आपको पता लग गया, ये टैप मैट की सब्सक्रिप्शन ले रही है, इनको मैच देखना है। एंड इतनी डिसअपॉइंटेड हमने कभी नहीं देखी इनको ना मैच देखना, और ये इतनी अनएक्साइटेड है कि हमारे साथ इनको मैच देखना पड़ेगा, बिकॉज हमारे घर पे कोई भी क्रिकेट एंथुसियास्ट नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच मुझे तुम लोगों के साथ देखना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होता, हम अच्छे लोग हैं। लिटरली पाकिस्तान इंडिया का मैच जिसपे मैं जरा सा चीखी थी और सारे घर वाले आ गए थे कि क्या पागल हो गई हो। आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, मैं कहीं बाहर जाके देखूंगी इसी स्क्रीनिंग पे। हमने इनसे जरा वादा किया कि हम इनको स्क्रीनिंग पे लेके जाएंगे, बाहर इनको मैच दिखाएंगे, बिकॉज घर में तो कोई एक्साइटमेंट होती नहीं है। अच्छा, अब तुम स्ट्रीट ढूंढो, स्ट्रीट वो फाइल है उसके ऊपर वो स्ट्रीट भी लिखी है। अब इनको जरा हम दिखाते हैं, ये गाइज ये देखें, ये है सोसाइटी, एंड सोसाइटी का जरा ओवरव्यू आपको दिखाते हैं क्या है। आपको नंबर याद नहीं है? मुझे तो याद है, आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप देखें ना, तो ये कमर्शियल यहाँ पे जो मार्केट्स वगैरह हैं वो बन रही हैं, घर भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये एक घर बना हुआ है और ये भी 10 मरला ही है। एंड यहाँ के जो बायलॉज हैं वहाँ के हिसाब से, हाँ 10 मरला अच्छा साइज है अगर आप सही से उसको बनाएं। अक्सर लोग ये होते हैं, नहीं एक गली छोटी, 10 मरले में एक गली छूटती है। सो बायलॉज पे डिपेंड करते हैं हर सोसाइटी के। इस्लामाबाद के जो सीडीए सेक्टर्स हैं वहाँ पे आपको गली नहीं छोड़नी होती। अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, लेकिन बुरी बात यह है कि लाइट कहाँ से आएगी। ये आपको अभी घर दिखाता हूँ, ये 10 मरला है, ये देखो ये घर बन रहा है। अब ये साइड पे इतने हर जगह भी चिपके होते हैं, क्योंकि वो साइज में बड़ा है इससे। और कराची के बायलॉज और हैं, कराची में दोनों साइडों पे गली आप छोड़ते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। और दूसरी बात, कराची का जो मरला है वो भी बड़ा है। पंजाब का जो मरला है वो होता था 272 गज का होता था, फिर उसके बाद इस्लामाबाद का मरला हो गया 250 गज का, और अब लेटेस्ट न्यूज आई है कि भाई इस्लामाबाद का जो मरला है वो 225 गज का हो गया। तो मतलब मरला तो उतना ही है लेकिन मरले का जो साइज है एक्चुअल वो कम होता जा रहा है, तो एक्चुअली में मरला कम हो रहा है। एक ये भी घर यहाँ पे बन रहा है, आई थिंक ये हमने देखा था, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये हमने देखा हुआ पहले, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। सोसाइटीज में घर बनाने का कुछ प्रोटोकॉल होता है। सो प्रोटोकॉल बेसिकली ये है, आपको पहले सोसाइटी का अप्रूवल लेना होता है, मतलब नक्शा वक्शा जो सारा होता है, स्ट्रक्चर की ड्राइंग वगैरह वो करवा के आपको जाना पड़ता है सोसाइटी के पास, सोसाइटी से जो सारी चीज़ें वो अप्रूव करानी पड़ती हैं, और फिर उसके बाद आपको NOC मिलती है कुछ दिनों बाद, जो कि अभी अभी हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करा के आए हैं। NOC मिलेगी, NOC मिलने के बाद आपको परमिशन मिल जाती है कि आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। पता नहीं यार ये हाँ से लग तो रहा है, लेकिन ये आई डोंट थिंक कि यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड बनेगा। आई थिंक यहाँ पे मजाक कर रही थी मैं यार, हमारी स्ट्रीट नहीं मिल रही यार यहाँ पे। हाँ, खामखा में जो है ना वीडियो बनाने की कसम से सीधे। या
टेक्निकली हमारी गली में और कोई घर है नहीं और झाड़ियां वगैरह बहुत है। हाँ तब तक आई थिंक बन जाएगा। एंड आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, आप लोग गेस करके बताएं कि हमारा घर जो है वो किस सोसाइटी में बन रहा है। बन नहीं रहा अभी, बनाना शुरू करेंगे। तो देखा था हमने जब डैडी के साथ आए थे एक दफा। या, ये विलास बने हुए हैं, दीस आर वेरी नाइस, वेरी क्यूट। ये सब सेम से बने हुए हैं। हाँ, अच्छे लग रहे हैं यार। कितने मरले इस, नहीं नहीं ये सब 10 मरले के। ये देखो, ये एक यूनिट 10 मरले का। ये 10 मरले? या बट इट लुक्स सो बिग। I know. Pens ना किस तरह से बनाते हैं, वो 10-10 मरला साथ जुड़ा हुआ है, टेक्निकली एक कनाल ही है। बट ये देखो, ये 10 मरला है, वो 10 मरला, और इसमें ज्यादा वो पोर्च वोर्च की जगह नहीं छोड़ी हुई और वो चिपके नहीं हुए उस तरह से, तो इसलिए ज्यादा खुले लग रहे हैं। बट या गाइस, दिस इज द लेटेस्ट अपडेट एंड दुआ कीजिएगा। मतलब जिसको कहते हैं ना कि ज्यादा दुआएं जब लोग करते हैं, जब अक्यूमुलेटेड दुआएं मिलती हैं तो काम जल्दी हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। तो आप लोगों की, आप लोगों से दुआओं की गुजारिश है, अपना घर अल्लाह हर किसी को नसीब करें जितनी जल्दी हो सके। सो ओ, बैंक भी है यार पास, मार्केट शार्केट। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली एक मेजर डिसीजन जो है, एक मेजर स्टेप हमारी ज़िंदगी में हम लेने जा रहे हैं। एंड अब ज़रा चलते हैं, अब दो काम हैं बहुत ज़रूरी। एक काम ये है कि इनको बहुत भूख लग रही है, और इनको जो भूख लगती है ना यार, हम कहते हैं कि जब जो है, जी की आपको जाना है, ओके मैं आपको कॉफी बुला दूंगा। सो इन्होंने कॉफी नहीं पी, मैंने इनको बोला कि आप सोसाइटी वाला काम कराते हैं, तो इन्होंने कॉफी शॉफी नहीं पी, नाश्ता नहीं किया, तो इनको अभी सब्वे लेके जाना पड़ेगा। सब्वे लेके जाते हैं, ऑफर दी थी हमने, लेकिन अगर आप सब्वे मूड चेंज कर लें तो हम आपको लिफोलॉजी खिला सकते हैं अगर आप चाहें तो। हाँ, तो इनको हमने डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेके दिए। एक्चुअल जो अपॉइंटमेंट है वो कल है, लेकिन हमने बोला कि यार सेकंड ओपिनियन भी ले लेते हैं, तो आज जो भी डॉक्टर अवेलेबल है। 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, अभी 3 बज रहे हैं। सो हमें शिफा पहुंचना है न्यूरोलॉजिस्ट के पास। एंड इनको ना माइग्रेन्स की बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। सो इनके सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से। सो दैट्स नॉट नॉर्मल। अभी ज़रा डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, एंड फिर ट्रीटमेंट वगैरह। डॉक्टर कोई सैरिश थी, आई थिंक अभी वही अवेलेबल थी इस टाइम पे, तो 2-3 थे, तो वो बाकी पहले उठ जाते और हम थोड़े से लेट हो जाते, तो उससे बेहतर ये है कि हमने ले ली। एक वाइज चीज़ जो आप अपने मैक्रोस पे ट्रैक करते हुए खा सकते हैं और सेफ रह सकते हैं, वो है सब्वे। तो भाई सब्वे रेस अनिया ने खाना था, लेकिन फिर अनिया को देख के मेरा भी दिल कर रहा था, और हम रैंप से जा रहे हैं, विच आई डोंट नो व्हाई, या इट इज़ फन। बड़े अरसे बाद आए हम सब्वे खा रहे हैं। I think the last time I had Subway was about a month ago, and हमारा तो ऑर्डर हमेशा सिंपल होता है, चिकन टिक्का सब विद एक्स्ट्रा मीट, हनी मस्टर्ड, हॉट सॉस, खीरों के अलावा सारी सब्जियां, और एक पानी की बॉटल। चॉइसेस चेक करने, कोल्ड ड्रिंक, पानी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बट वो डाइट से रहना। आपने क्या लिया? स्टेक एंड चीज ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा ना हुआ तो, कैलोरीज आया कितना ही बुरा होगा। बीफ आया मुंह में? Take another bite and give me your second opinion on this. First bite mein le liya. Acha hai. Like out of 10? Be more tender. Out of 10? Nine. Donut kebab yaad aa gaya mujhe, UK wala. Guys, next time hum bhi bas steak and cheese try karenge, aur agar acha hua to fir hum change karenge apna regular usual order. One of the very zaruri kaam jo tha, जो कि था डॉक्टर के जाना, और डॉक्टर के हम नहीं जा सके क्योंकि अनिया ने कल एक और डॉक्टर की, जो एक रिकमेंडेड डॉक्टर, उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो आज हमें वॉक इन अपॉइंटमेंट मिली थी, और मैडम को बिल्कुल भी। जी करें नहीं, नहीं शेयर करते नहीं, शेयर करते हैं ना, देखते हैं अभी हम डिसाइड करेंगे। 300 तो बचा रहे हैं, समोसा चाट खाना है, लेकिन शदीद माइग्रेन से मर रही हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है उस पर इन्होंने बोला कि कल, क्योंकि ऑलरेडी ली हुई है, क्यों खुआर होना है वेटिंग में जाके, कल ही दिखाएंगे ना। और तीसरा एक ज़रूरी काम था, वो था दीवारें पेंट कराना, तो यहाँ पे नियॉन साइन ब्लिसफुल का आएगा, ये पता नहीं आपको कलर समझ आ रहा है कि नहीं, इट्स बेसिकली लाइट पर्पलिश। वो वाली जो दीवार है
वो हमने हाइलुरोनिक एसिड वाले भी किए, ये रेटिनॉल वाले भी किए, वो पूरी दीवार पेंट हो जाएगी। काफी एस्थेटिक एस्थेटिक बैकग्राउंड, क्योंकि हमने बोला बार बार बैकड्रॉप नहीं चेंज करते भाई, उसको वाइट ही रखते हैं, उसको चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। अब दूसरी जो टास्क है वो है स्टोरेज ड्रॉर लेने जाना है हमने। गाड़ी की चाबी कहाँ है? तो स्टोरेज ड्रॉर, ठीक है जी, कैसे देखते हैं देखते हैं। स्टोरेज ड्रॉर हमने लेना है। तो अब्बास मार्केट हमें बार बार अंदर से आवाज़ आती है, अब्बास मार्केट क्या वो? चलो भाई, जब बोल दिया तो इन्होंने करना तो पड़ेगा। नहीं यार, अब्बास मार्केट बहुत अच्छी है। अब्बास मार्केट से हमने लेना है एक स्टोरेज ड्रॉर जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाए, मतलब जो ऊट पटांग की चीज़ें हैं, ये चार्ट पेपर्स हैं या चार्जर्स हैं, ये एक्सटेंशन केबल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्टोरेज ड्रॉर में आ जाए। अब्बास मार्केट हम आ गए, स्टोरेज ड्रॉर हमने पसंद कर लिया, ऑलमोस्ट हम लेने वाले थे। इतनी देर में अनिया गायब हो जाती है। अनिया कहाँ गायब हो जाती है? ये यहाँ पे। कोई बात नहीं, तो ले लेते हैं। जल्दबाजी किस बात की है? सरप्राइज है ना। पास मार्केट से स्टोरेज ड्रॉर फाइनली लेने के बाद, गैस अनिया ने बोला था माशाल्लाह चलना है, तो मुझे ऐसे तो फरांट बीवी दिखा, मेरी फरांट कब? मैं तो सब बोलता हूँ, सब बीवियाँ जब भी तो बोलती हैं, बीवियाँ हेडक्वार्टर होती हैं भाई, हेडक्वार्टर से ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर आ गया। तो गैस अब सीन ये है कि अनिया जो है उसने बहुत बड़ा क्लेम किया है मुझे ना, रिफ्लेक्शन सेंटर जो है, इज्जत रख लो, आजम अली को ऐसा कुछ बोलती हूँ उसी दिन वो खराब हो जाती है। तो पिंडी में कमर्शियल मार्केट में रिफ्रेशमेंट सेंटर है, उसकी समोसा चाट इज हियर फॉर मी। एंड अगर आपका पिंडी जाने के इत्तेफाक नहीं है, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, तो आप G6 मेलेडी में भी जा सकते हैं, लेकिन मेलेडी में आपको उस लेवल पे नहीं मिलेगी, लेकिन समवट आपको मिलेगी। मैंने वो पिंडी वाली नहीं खाई हुई। तुमने पिंडी वाली भी खाई हुई है? पिंडी वाली नहीं खाई, खाई है। तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें याद नहीं है? मैं सिर्फ इससे पहले एक दफा समोसा चाट खाई, वो जो हमने मम्मा को मैरियट में छोड़ा था और हमने जाके खाई थी वो वाली। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमने खाई, इसको बस याद नहीं है। गाइस अब इनका जो बड़ा क्लेम है वो ये है कि माशाल्लाह रिफ्रेशमेंट कॉर्नर जो है G6 वाली से बेहतर है। ये रिफ्रेशमेंट सेंटर, चलो ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्लेम है कि रिफ्रेशमेंट सेंटर से बेहतर है। चिप्स, अफगानी, अभी देखते हैं, लेकिन उसके साथ लेमन सोडा भी हमें चाहिए। तो लेमन सोडा एंड समोसा चाट, लेकिन एक समोसा चाट हम शेयर करेंगे, बिकॉज कैलोरीज हमें शेयर करनी है। फ्लॉप गाइस, फ्लॉप, ऐसे ऐसे कोई इतनी अच्छी नहीं, मतलब वेरी नॉर्मल एवरेज समोसा चाट। अनिया की जो रिकमेंडेशन थी, मतलब मैंने कैलोरीज आया कि मैं अपनी डेली कैलोरीज से कोई 100-200 कैलोरीज ऊपर हूँ, फिर भी तो हमने भी एक ही बाइट लिया ना, तो यार वो गरम मैंने इसलिए खा रहा हूँ। तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, इट्स नॉट बैड बट इट्स जस्ट नॉट लाइक कमर्शियल मार्केट वाली। गाइस अली से ना एक्नॉलेज नहीं होती कुछ बार यार। एक गाइस अगर अच्छा होगा तो मैं एक्नॉलेज भी करूँगा, लेकिन इट्स एवरेज, इट्स वेरी एवरेज। मेरे हाथ से वाला काम नो, तुम छोड़ दो, तुम्हें मैंने देनी नहीं। सारी चीज़ों से फारिग फाइनली हो गए, सारी टास्क खत्म कर लिए एंड घर आते साथ ही ये वाली जो दीवार है अब ये सूख रही है। दिस इज ऑरेंज जो हाइलुरोनिक एसिड के कलर पे जा रही है, ये जो है ये रेटिनॉल के कलर पे जा रही है, और यहाँ पे नियॉन साइन आएगा, वो होपफुली कल या परसों तक आ जाना चाहिए। यहाँ पे फोटो फ्रेम्स आएंगे, और ये अभी हमने स्टोरेज ड्रॉर लिया था जो हमारे काफ़ी जो खला रहा है उसको वाइंड अप करने में हेल्प कर रहा है। जो बैकड्रॉप है वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, सो पहले यहाँ पे लगा हुआ था, अब यहाँ पे चला गया, मच मोर फीजिबल एंड वाइबल, और बाकी कहीं पे भी कोई गंद अब नहीं है, एवरीथिंग लुक्स वेरी वेरी क्लीन। फाइनली गाइस, एंड ऑफ द डे, एंड एंड ऑफ द डे में मैंने सोचा कि ज़रा अच्छे तरीके से एंड करते हैं, तो हमने स्पार्कलिंग वाटर बना लिया, बुलबुले वाला पानी, बुलबुला, हमें बुलबुले से बुलबुला याद आता है, जिन लोगों को रेफरेंस पता है उन लोगों को पता है। एंड साथ ही हमारा कम्फर्ट फूड, नथिंग कैन बीट राइस एंड चिकन, एंड खाना खाते खाते ऑब्वियसली मिर्ज़ापुर लेकिन सीजन 2। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं ब्लॉग, अगला ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कल, आपसे मिलकर कल के पीछे ब्रोनो चूचू कर रहे, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।